चलिए 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं और ये बड़ी खबर उदयपुर से ही है। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। चिंतन शिविर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर भी लगी है। देखिए, बैठक में किसानों के लिए प्रस्ताव पास किया गया, एमएसपी पर लीगल गारंटी तय हो इसको लेकर भी मांग उठाई गई है और C2+50% के फॉर्मूले पर एमएसपी तय होना चाहिए, किसानों को बिजली मुफ्त में मिले, किसानों की ट्रैक्टर पर लगने वाले टैक्स भी फ्री होने चाहिए। तो ये तमाम किसानों के हित को लेकर जो आवाज कांग्रेस उठा रही है उसको लेकर ये बात सामने आई है कि किसानों की आवाज बनेगी कांग्रेस और ये आगे बात रखी जाएगी ताकि जो सरकार है इस पर गौर करे और किसानों को सुविधा मिल सके। तो किसानों का सहारा लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। आज आखिरी दिन है चिंतन शिविर का। इससे पहले 2 दिन हमने देखे, शुरुआत सोनिया गांधी के भाषण से हुई थी, दमदार भाषण से हुई थी, जहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि अंदर खाने जो मनमुटाव होता है या फिर अंदर खाने की जो भी परेशानियां होती है वो खुलकर सामने नहीं आनी चाहिए, यानी कि जनता के बीच जो मैसेज जाए वो मजबूत संगठन का जाना चाहिए। जो भी समस्या होती है पार्टी के अंदर उसे पार्टी के ही अंदर शॉर्ट आउट हमें करना है। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से अब किसानों का सहारा लिया जा रहा है, पार्टी खुद को मजबूत तो कर रही है लेकिन किसानों का मसीहा बनती भी नजर आ रही है। किसानों के ट्रैक्टर पर लगने वाले टैक्स फ्री होने की बात यहां पर की गई है, एमएसपी को लेकर गारंटी ये होनी चाहिए, किसानों को बिजली मुफ्त में मिले, तमाम जो किसान है उनका बार बार जिक्र किया जा रहा है क्योंकि किसानों से भी इससे पहले मुलाकात हुई थी। राकेश टिकैत ने हुड्डा से मुलाकात की थी और अपने कई सुझाव उनके सामने रखे थे कि इन पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार से वो लगातार मांग भी कर रहे हैं और इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था अपनी मांगों को मनवाने के लिए। उस वक्त भी पिछले दरवाजे से कांग्रेस उनको सपोर्ट करती भी नजर आ रही थी लेकिन अब खुलकर ये बातें सामने आ रही हैं, किसानों का सहारा लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती भी नजर आ रही है। किसानों को बिजली मुफ्त मिले, किसानों की ट्रैक्टर पर जो टैक्स अब तक लगता था उसको पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए, एमएसपी पर लीगल गारंटी की भी कांग्रेस जिक्र कर रही है कि एमएसपी पर लीगल गारंटी होनी चाहिए और इसी के साथ ही C2+50% के फॉर्मूले पर एमएसपी तय हो, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। यानी कि किसानों की जो भी समस्या थी अब उसी को ही आगे लेकर कांग्रेस चल रही है। किसानों का साथ मिलेगा तो कांग्रेस को लगता है कि वह और ज्यादा मजबूत होगी और कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है और चिंतन शिविर का मतलब यही था कि कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़े, अब तक जो मनमुटाव था, जो दिक्कतें थी, जो परेशानी थी उनको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना है, अब जमीन से इसकी शुरुआत करनी है, मजबूती के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ना है। और चिंतन शिविर में कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी नजर आए और हालांकि अब तक खबरें बहुत पॉजिटिव आ रही हैं कि एकजुटता की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है लेकिन आज ये आखिरी दिन है, चिंतन शिविर खत्म होने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि क्या वाकई जिस तरीके का मंत्र सोनिया गांधी की तरफ से दिया गया है, जो रूल रेगुलेशन तैयार किए गए हैं, क्या वाकई कांग्रेस के तमाम दिग्गज उस पर चल पाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हैं। स्पर्श, जिस तरह से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, आज आखिरी दिन है, तमाम बातों का जिक्र इसमें हुआ है लेकिन सबसे अहम इसमें किसानों की अगर हम बात करें, यानी कि किसानों का सहारा लेकर कांग्रेस अब आगे बढ़ती भी नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, किसानों के संदर्भ में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा होती हुई नजर आई है और अगर हम साफ तौर पर बात करें तो एमएसपी जो है गारंटी बने इसको लेकर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो अपनी मोहर लगाती हुई जो है नजर आई है। C2+50% फॉर्मूले पर किसानों को जो उनकी फसलों का दाम है वो मिलता हुआ नजर आया। रोकना चाहूंगा, बने रहिए हमारे साथ।